इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको मैं बहुत सारी प्रॉब्लम बताऊंगा जो आर्ट से रिलेटेड है, आप उनको अच्छे तरीके से देखते रहिए। सेम प्रोसीजर है, आरटीओ से आए हुए सीधे सवाल है, सेम ए टू जेड, वैल्यू भी सेम, इनका भी एक बार अच्छे से करके जाइए, एक भी सवाल आपके बाहर नहीं जाएगा सिलेबस से, आराम से देख लीजिए आप दोस्तों। प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, इसके अंदर आगे का लेक्चर भी है, मैं सारा इसी में देख रहा हूँ, आप पूरा एंड तक देखिएगा। इसकी डिज़ाइन कैसे करते हैं वो भी इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे चलें, ये राइज ऑफ आर्ट्स है दोस्तों, डिस्टेंस के लिए निकाली हुई है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा है यहाँ पे, जिसकी डिस्टेंस है 4.7 मीटर फ्रॉम ए से, ए से आपको बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, आप अच्छे से देखिएगा उसको। मिनिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ही निकाल रहा है यहाँ पे सेक्शन सी और बी के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आप अच्छे से देख लिया ना इसको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जवाब लिख दीजिएगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर बहुत लंबा चल रहा है, देखिए आप आराम से, वही प्रोसीजर है बस, कुछ चेंज नहीं है। मैक्सिमम एंडिंग मोमेंट निकाला हुआ इसने यहाँ पे, ये देखिए मैक्सिमम नेगेटिव एंडिंग मोमेंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम बी, बी से 5 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है ना। एम मैक्स निकाला हुआ है यहाँ पे, आराम से देख लीजिए आप। इसके रूल्स हैं, आगे का प्रोसीजर, इसमें एल है जो स्पान है, वाई सी है जो हाइट है ऑफ द क्राउन सी की, डी डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स है दो सपोर्ट के बीच का, एल वन और एल टू है इनके हॉरिजॉन्टल लेंथ दे रखी है, हॉरिजॉन्टल लेंथ ये और सी की और सी और बी की, इसका फाइनली फॉर्मूला है। इसके नेक्स्ट को 3 इंच पैराबोलिक आर्च की है, नेक्स्ट को अगला सवाल इसका 3 इंच आर्च का, 3 व्हील पैराबोलिक आर्च, ठीक है ना, इसको भी आपको सॉल्व करना है। कम टाइम में पूरे नोट्स आपको दूंगा मैं अच्छी तरीके से, आपको इनको समझना भी है अच्छी तरीके से, वापस नोट्स बना के और अच्छे तरीके से पढ़ना भी है, और जो चीज़ समझ में नहीं आए उसका आप कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा, और मैं स्पेशली इसी के ऊपर वीडियो बना के और आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ, ठीक है ना दोस्तों।
आया समझ में। चले आगे, ये देखिए अच्छे से लिखिए, आप समझते भी जाइए साथ साथ में, आपको खुद को बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। चले आगे अगर आप कहो तो। हाँ आराम से लिख लो आप, अच्छे से चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। चलो अभी देखो आराम से, अच्छे से लिखो। ये नेक्स्ट सवाल है पैराबोलिक आर्च के ऊपर, इसके अंदर आप पहले अच्छे से सवाल देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन कैलकुलेशन आप करते रहिए क्या? ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन में आपको बोल बोल के बताऊं, कोई फ़ायदा तो है नहीं, प्रैक्टिस ही आपको तो करनी ही पड़ेगी, मस्ट है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ना लेक्चर का ना पढ़ाने का ना और कोई बात। देखते रहिए आप आगे, सिलेबस अच्छी तरीके से आपको बहुत ही जरूरी कम्प्लीट कराऊंगा मैं, उसकी चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बस एक बार विश्वास करके देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कुछ भी क्वेरीज हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले और मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर सकूँ। और भी है इस क्वेश्चन के आगे पार्ट्स, अभी चलेंगे आगे, आप अच्छे से लिख लो। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं। कर लिए यहाँ तक,
देखिए आगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों, आगे अपन नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू।